आदाब नासरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त हम बात करेंगे महकमा ट्रैफिक को लेके कि महकमा ट्रैफिक की क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे और चंद तस्वीरें जो है वो आपके बीच साझा करेंगे और उसके बाद अपने कमेंट बॉक्स में राय जो है वो ज़रूर देनी है। सबसे पहले हमें एक नाज़रीन की जानिब से जो है वीडियो शेयर की गई, ये देख सकते हैं ये टेम्पू है और ये टेम्पू जो है वो राजौरी से कालाकोट की तरफ जा रहा था। बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ओवरलोडिंग आप देख सकते हैं किस हद तक जो है देख इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ओवरलोडिंग। और महकमा ट्रैफिक की जानिब से मुझे लगता है कि शायद ही इसके ऊपर तवज्जो दी जाती है। वहीं साथ ही में गाड़ी में बैठे जो सवारियां थी, जो लोग थे, उनकी जानिब से शिकायत की गई कि ड्राइवर जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है और बहुत ही तेज़ रफ्तार से जो है वो गाड़ी चला रहा है। ये तस्वीरें आप बाज़ाब्ता तौर पर देख सकते हैं। ये टेम्पो इसका नंबर भी जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये टेम्पो जो है वो ज़िला राजौरी से कालाकोट की तरफ जो है वो जा रहा था और तेज़ रफ्तार से भी चल रहा था और ओवरलोडिंग भी इसमें आप इन तस्वीरों में बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो देख सकते हैं। उधर साथ ही में हम जब कोटरंका इलाका में थे तो इस दौरान वहाँ पर भी एक गाड़ी को हमने देखा। पहले तो वो ड्राइवर जो है वो खुद मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा था और साथ में ओवरलोडिंग भी जो है वो आप इन तस्वीरों में बाज़ाब्ता तौर पर देख सकते हैं। हमारी बात ड्राइवर से हुई तो उसने ये माना भी कि मुझे किसी की कॉल थी, अर्जेंट बात करना ज़रूरी था, लेकिन गाड़ी चलाते हुए फ़ोन भी जो है वो ड्राइवर साहिबान जो है वो इस्तेमाल करते हैं और साथ में ही गाड़ियों में जो है वो ओवरलोडिंग भी जो है वो देखने को मिलती है। ट्रैफिक एहलकार भी इस सड़क पर हमें देखने को मिले, वहाँ पे जो एसओ साहब थे वो भी देखने को मिले, मज़ीद भी जो है वो पुलिस ऑफिशियल जो है वो देखने को मिले, लेकिन फिर भी सड़कों के ऊपर जो है वो ओवरलोडिंग देखने को मिल रही है। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्यों ओवरलोडिंग काम नहीं होती, ओवरलोडिंग क्यों होती है? अगर ट्रैफिक एहलकार मुतलका रूट के ऊपर तैनात भी होते हैं तो उसके बावजूद भी ड्राइवर साहिबान की मनमानी है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और है? कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर दें। उधर कालाकोट की बात करें तो कालाकोट की सूरतहाल भी ऐसी ही कुछ लोगों ने साझा की, जहां टेम्पो में ओवरलोडिंग भी देखने को मिली और लोगों की जानिब से ये कहा गया कि ड्राइवर की जानिब से तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाएगी। कई लोग जो है वो उसको मना भी करते रहे, ताहम उसके बावजूद भी उसकी जानिब से मनमानी जो है वो लगातार रही। तो आखिरकार क्या महकमा ट्रैफिक के जो एहलकार हैं वो हरकत में आएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर पर्दे के पीछे कहानी जो है वो लगातार चलती रहेगी?